हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूआईएचएम। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहां पे आपकी वेबसाइट की डिजाइन पूरी एक हद तक सुधर जाएगी। ऑल्सो आई गॉट लॉट्स ऑफ डीएम्स इन माय ट्विटर एंड इंस्टाग्राम कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है या क्या हुआ है कि हम वीडियोज नहीं डाल रहे। सो ऐसा कुछ नहीं था, सिंपली मेरा थोड़ा वर्कलोड जो था वो मुझे मैनेज करना था, सो इसीलिए हम वीडियोज नहीं डाल पा रहे। बट आई विल मेक श्योर कि आपको कंसिस्टेंटली कुछ नॉलेज देता रहूँ जो भी मैंने इस इंडस्ट्री से सीखा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक वेबसाइट रिडिजाइन के लिए आज का ये वीडियो पूरा रखा हुआ है। उसमें क्या होने वाला है कि हम सिंपली जो लैंडिंग पेजेस होते हैं या तो सिंपली कोई वेबसाइट्स होती है तो उसमें कन्वर्जन रेट्स कैसे बढ़ा सकते हैं, लाइक कैसे हम यूजर्स और जो कंपनीज है राइट उनको हेल्प कर सकते हैं विथ आवर डिजाइन। क्योंकि जब कभी भी हम कोई वेबसाइट डिजाइन करने जाते हैं तो वहां पे कस्टमर्स लैंड होते हैं या यूजर्स लैंड होते हैं जिसको हम अट्रैक्टिव वे में उनको या तो एंड फ्लो तक लेके जा सके और उसको ऐसे बिहेव करवाए कि या हमें यहाँ से कुछ परचेज करना चाहिए या यहाँ से कुछ लेना चाहिए और या इसके सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए और वॉट एवर राइट। सो इस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ कुछ रीडिजाइन करने की ट्राई की है और आपको एलेबरेट करेंगे कि कैसे हमने ये थिंकिंग करके पूरा एक प्रोसेस क्रिएट किया है राइट। सो लेट्स बैक इनटू आवर स्क्रीन। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल सा वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। उसमें क्या है कि ये जो पूरी एक कंपनी है वो ई कॉमर्स ग्रोथ के लिए काम करती है और उसका एक AI का प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट है फॉर द ई कॉमर्स ग्रोथ। और उन लोगों ने यहाँ पे कुछ कॉपीज लिखी हुई है और स्टार्ट नाउ का बटन है, लॉगिन का बटन है, यहाँ पे उन लोगों की कंपनी का लोगो एंड देन यहाँ पे कुछ टैब्स है जो आपको वेबसाइट पे नेविगेट करने में काम आएंगे राइट। सो क्या हो रहा है इसको हम पहले तो इलाबरेट करेंगे कि क्या क्या इश्यूज हमें नजर आए या क्या हम इसमें रिवैम्प कर सकते हैं और कैसे हम उसकी डिजाइन को अच्छी बना सकते हैं राइट। सो लेट्स से पहले तो हमें इसमें नोटिस ये आता है कि ये जो हमारा बटन है पूरा राइट उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत ही कम है। मतलब कि क्या हो रहा है कि ये जो पूरा स्टार्ट नाउ का बटन है वो दिख ऐसे नहीं रहा है जिससे कि यूजर डायरेक्टली वहां पे क्लिक करने जाए और उसको अट्रैक्ट हो, तो वो एक फर्स्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने यदि देखा होगा तो बहुत सारी कुछ पैटर्न्स आती है वेबसाइट्स में। जब भी कभी आप कोई लैंडिंग पेज या कोई वेबसाइट क्रिएट करने जाओ आप वहां पे स्कैन करते हैं ना कि रीड करते हैं। क्या होता है कि इतना सारा बड़ा कंटेंट होगा तो कोई यूजर रीड करने जनरली नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक यूएक्स का पर्सपेक्टिव है कि यूजर क्या करेगा कि वो स्कैन कर लेगा पूरी वेबसाइट एट अ फर्स्ट ग्लांस कि क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, क्या कर रहे हैं। यदि उन लोगों को पहली बार में समझ नहीं आता दे विल क्विट राइट। सो हम क्या करने वाले हैं कि पहले तो हम ऐसा कुछ बनाने वाले हैं जहां पे ये कुछ बटन्स हाईलाइट हो। हाँ, यहाँ पे कुछ शेप्स और पैटर्न्स भी होती है कि यूजर कैसे स्कैन करता है। आप ऑनलाइन जाके सर्च करके देख भी सकते हैं यूजर जनरली जेड शेप में स्कैन करता है कि लेट्स से पहले यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया। सो ऐसे जिगजैग में भी वो करता है। देन टी शेप में भी वो पैटर्न्स आते हैं कि लेट्स से टॉप पे पहले किया देन सेंटर में वो स्कैन करता है। जैसा हमारा कॉन्टेंट होगा उस अकॉर्डिंग वो जनरली करता है, बट इसमें ज़्यादा कन्वर्जेंस रेट होते हैं। देन एफ पैटर्न्स भी हो सकते हैं कि एफ में पहले तो आपको लेफ्ट टू राइट, जनरली क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट हमें रीड करने की हैबिट होती है एज अ यूजर, तो हम क्या ट्राई करके हैं कि लेफ्ट साइड पे एक CTA हो जो यूजर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट साइड पे एक अच्छा सा इमेज हो जिससे कि यूजर को पता भी चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जब भी कभी हम जेड या टी या कोई भी शेप में या लेयर्ड जो आता है उसमें भी एक प्रोमिनेंट यहाँ पे CTA भी देते हैं ताकि यूजर यहाँ पे भी क्लिक करके जा सके। जनरली क्या होता है कि लेफ्ट साइड से हमें रीड करने की हैबिट होती है अगेन, तो यहाँ पे हम कंटेंट रखते हैं। सो ऐसा कुछ ये जो पूरा पैटर्न्स का शेप है आप ऑनलाइन जाके रीड कर सकते हैं कि कैसे वो वर्क करता है, बट हम उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। पर कैसा होता है तो जनरली हमने यहाँ पे जो रीडिजाइन करने की ट्राई की है वो टी शेप में की है, तो उसमें भी हमें बेटर AB टेस्टिंग भी मिला है कि कैसे हम जेड शेप से टी शेप में आ सकते हैं और कैसे उसमें अच्छा डिजाइन हम दिखा सकते हैं। तो पहला तो हमने यहाँ पे इश्यू देख लिया कि ये जो एक इश्यू है, लेट्स से यहाँ पे
सो हम क्या कर रहे हैं कि बैटर बनाने की ट्राई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये वेबसाइट अच्छी नहीं है या इसमें कोई इश्यूज ज़्यादा है, बट एज अ डिज़ाइनर यदि हम वेब्स यूजर्स का और कंपनीज का यदि कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हैं तो इट वुड बी बेटर टू हेल्प इंडस्ट्री, राइट। तो क्या होगा कि पहले तो हम इसको लॉक कर देते हैं, ये इसका एक कॉन्ट्रास्ट इश्यू है। देन क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे टेक्स्ट हो गए जो यूज़र रीड करने जनरली जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं लगेगा, जनरली आपका हेडर या तो जो आपका टाइटल है उससे ही उसको इतना फोकस मिल जाएगा कि उसको पता चल जाएगा या तो नहीं चलेगा। तो इसमें क्या होगा, सिंपली इसको हम शॉर्ट बना के अच्छा सा एक टैगलाइन लिख देंगे, या तो वन और वन एंड हाफ लाइन ऑफ टैगलाइन, जो कि अच्छे से वो एलाबरेट कर सके यदि कोई यूजर रीड करना चाहे। देन क्या हो रहा है यहाँ पे भी ये टाइटल परफेक्ट है, पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग का इश्यू है, तो वो कुछ ऐसा मैनेज हो सकता था कि यहाँ पे ज़्यादा विड्थ बढ़ाकर ई कॉमर्स ग्रोथ को साथ में रख सकते थे, या दो या तीन लाइन में टाइटल कर सकते थे इंस्टेड ऑफ फोर लाइन, राइट। सो ये एक इश्यू है। देन क्या हो रहा है कि ये जो ग्रिड है पूरी ये बिखर जा रही है, क्या हो रहा है कि यहाँ से हमारी ग्रिड स्टार्ट हो रही है दोनों साइड से, पर कंटेंट जो हमारा है वो बाहर है ग्रिड से। सो हम मैनेज करेंगे कि एक ही ग्रिड में लेके आए और रिस्पॉन्सिवनेस में भी अच्छा रहे, राइट। देन कोई इश्यू नहीं है। देन क्या प्रॉब्लम है, एक लॉगिन का बटन भी हम प्रोमिनेंट, मतलब कि इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि जो हमारा टैब से उसके जैसा ही दिखे, राइट। इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर इसको यदि हम और हाईलाइट करवा के यदि डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं देन इट विल बी गुड। देन हमारी जो इमेज है उससे कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन लोगों ने मतलब बनाई हुई है। उसका डैशबोर्ड होगा उन लोगों के प्रोडक्ट का, बट क्या हो रहा है कि यूज़र एट अ फर्स्ट ग्लांस यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं कि इसमें क्या हो रहा है, या हमें पता चल रहा है कि एक डैशबोर्ड है उसमें वर्क हो रहा है, या यहाँ पे कुछ ई कॉमर्स का मैनेज हो रहा है डैशबोर्ड, राइट। तो हम हीरो सेक्शन के बारे में ही बात करने वाले, अभी नीचे के सेक्शंस के बारे में बात नहीं करने वाले। तो ऐसा कुछ यहाँ पे जो है वो हमें रीडिज़ाइन करना है। तो हमने पहले क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ ऐसा रीडिज़ाइन किया जहाँ पे हमें ऐसा मिले कि सिंपली एक तो पहले ग्रिड डिफाइन हो, जितना भी हमारा कॉन्टेंट हो एक ही ग्रिड में हो, इवन द इमेज एज वेल, राइट। तो क्या हुआ, मैंने अगेन जेड शेप ही यहाँ पे यूज़ किया है। क्या किया है, सिंपल लोगो मैंने एक श्रिंक करके इसमें डाला हुआ है। देन क्या किया, AI टेम्पलेट्स, क्योंकि हम AI की वेबसाइट है तो मैंने थोड़ा सा डार्क थीम वैसे भी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या किया है AI टेम्पलेट्स को थोड़ा और हाईलाइट करवाने के लिए थोड़ा सा ग्रेडियंट दिया है ताकि वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो। जब भी कभी आप टैब्स में देखेंगे एट अ फर्स्ट ग्लांस आपको AI टैब AI एलिमेंट्स पहले दिखेगा जब भी कभी आप स्कैन करेंगे, राइट। देन लॉगिन का बटन थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, ज़्यादा नहीं। देन क्या किया है, ई कॉमर्स ग्रोथ विथ फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म, मैंने पूरा ये जो कॉपी है UX का वो ही चेंज कर दिया। लैंडिंग पेज कन्वर्जन में आपको ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि पहले तो आपके टैब्स जो है वो क्लियर कॉपी हो, AI टेम्पलेट्स, रिसोर्सेज, सर्विसेज, केस स्टडीज, UX कॉपी आपकी लैंडिंग पेज में या तो वेबसाइट में बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, यूजर को पता ही लग जाना चाहिए कि क्या और किस बारे में बात हो रही है, राइट। तो UX कॉपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि एक्चुअली फर्स्ट है, वो है CTAs। CTAs यदि आपने स्ट्रॉन्ग क्रिएट नहीं किए हुए तो यूजर वहां पे क्लिक करने जाएगा ही नहीं। तो क्या हो रहा है, स्टार्ट नाउ का बटन जो यहाँ पे पूरा डल हुआ पड़ा था उसको हमने हाईलाइट करवा के थोड़ा ग्रेडियंट दे के थोड़ा शेडो दे के, ओवर शेडोज वगैरह नहीं देना है हमने, तो सिंपली वही हमने किया है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यूज़र को हेल्प करने के लिए अभी के लिए ऐसा कुछ फनी सा और थोड़ा सा प्लेफुल टेक्स्ट डाल दिया हुआ है कि इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स टू गेट स्टार्टेड। तो यूज़र को क्या क्लिक होगा कि हाँ चलो देख लेते हैं कि 2 मिनट में कैसे कैसे वो वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें वो देता है। तो यूज़र को एक ट्रस्ट यहाँ पे बिल्ड होगा, राइट। सो दैट विल मेक सेंस एज वेल। तो ये कुछ हमने बनाया हुआ है। देन जो हमारा UX का कॉपी था फॉर दिस सबटाइटल और सॉरी जी टैगलाइन, तो उसको हमने चेंज करके यहाँ पे पूरा बदल दिया। अभी क्या किया है, इमेजेस में मैंने ट्राई किया था कि ये जो हमारा इमेज है वही हम इमेज यहाँ पे लगाए, पर क्या हो रहा था कि वो मैच नहीं हो रहा था, अगेन सेम ही लग रहा था जो हमने प्रीवियस डिजाइन में देखा, राइट। तो मैंने क्या किया, कोई वायर फ्रेम का टेम्पलेट ले लिया, उसमें से मैंने ऐसा दिखा दिया कि लेट्स से आपका 5x ग्रोथ इतना है,
सॉरी 1x ग्रोथ या 2x ग्रोथ इतना, उसमें से 5x हुआ तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो यूजर को पता चलेगा हाँ यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। और यू कैन यूज डिफरेंट इमेजेस एज वेल, यहाँ पे मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बताया कि ऐसे कुछ इमेजेस यहाँ पे आप रख सकते हैं, राइट, एंड 10x ग्रोथ में आपका ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की ट्राई की है, इंस्टेड ऑफ कि ये पूरा इमेज हम डैशबोर्ड का दिखाएं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ग्रोथ विथ AI की बात कर रहे हैं, राइट, सो ग्रोथ हमें दिखाना जरूरी है। इमेजेस में ग्रोथ दिखेगा, यहाँ पे ग्राफ दिखेगा, पर वो ऐसा उतना भी हाईलाइट नहीं होगा जितना इमेज बड़ा होगा उस, राइट। तो ये कुछ पहला वर्जन था। देन हमने सेकेंड वर्जन बनाया कि उसमें मैंने क्या किया कि सेम ही चीजें रखी, पर और एक चीज मैंने बताना भूल गया कि ये जो सारी कुछ चीजें हैं वो मैंने बैकग्राउंड्स लगाया हुआ है कि आप लेट से देख सकते हैं कि ऐसा कुछ AI जनरेटेड जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो लगाया है, उसकी ओपेसिटी डाउन करके लेयर ब्लर दिया हुआ है ताकि ये थोड़ा सा और फ्यूचरिस्टिक और AI रिलेटेड लगे। तो सारे में मैंने ऑलमोस्ट सेम ही बैकग्राउंड लेके बनाया हुआ। देन मैंने क्या किया है कि इसको पर्सपेक्टिव में डाल के मैंने देखा है कि वो कैसा लग रहा है, पर क्या हो रहा है कि बहुत ब्लैंक स्पेसिस दिख रही है, तो उसको भी हमने स्किप कर दिया। तो ऐसा नहीं हुआ है कि जो फाइनल वर्जन था वो फर्स्ट डिसीजन में ही आ गया, ऐसा नहीं होता, आपको इटरेशंस करने पड़ेंगे, राइट। देन मैंने थर्ड ट्राई किया था कि कुछ फैंसी ट्राई करके हम कर्व लेआउट करें, पर उसमें मैंने फिर आगे ट्राई नहीं किया क्योंकि उसमें हमारा फिट नहीं बैठ रहा था। देन फाइनल वर्जन जो हमारा आता है उसमें मैंने क्या किया था, सिंपली जो जेड शेप था वही पूरा चेंज कर दिया और देखा, एक्सपेरिमेंट किया कि कैसा लग रहा है, राइट। जेड शेप इज लुकिंग ऑल्सो गुड, बट क्या हो रहा है कि ये जो हमारी ब्रांड इमेज है उसको मुझे लग रहा था कि इंक्लूड करेंगे तो कैसा लगेगा, तो उसके लिए मैंने थर्ड वर्जन ट्राई किया जो कि टी शेप का था, कि लेट्स से यहाँ से आपने स्कैन किया देन सिंपली आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटर में ही स्कैन करेंगे, तो इट इज लुकिंग वे बेटर देन दिस वन। वाई? बिकॉज यहाँ पे इमेजेस के लिए हमें स्पेसिंग ज्यादा मिल गई, हमारा डैशबोर्ड भी थोड़ा सा दिखने लगा कि वो जो डैशबोर्ड हमने मेन पेज पे दिखा था वो ही दिख रहा है, कुछ हमारा जो प्रोडक्ट है वो रियल प्रोडक्ट भी यहाँ पे दिख रहा है और उसके ऊपर हमने ग्रोथ दिखाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप वायर फ्रेम से यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे आप ग्रोथ के लिए कुछ चार्ट भी दिखा सकते हैं और बार ग्राफ्स भी दिखा सकते हैं। अभी के लिए मैंने सिंप्लीफाई यही रखा है, ये कोई फाइनल वर्जन्स या लाइव वेबसाइट के लिए नहीं है, पर ये मेरे इंप्रूवमेंट के लिए है और ऐसे कुछ हम थिंक कर सकते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। तो आप यहाँ पे बार ग्राफ्स वगैरह दिखा सकते हैं, कुछ डॉलर्स वगैरह दिखा सकते हैं कि आपकी ई कॉमर्स पहले इतना था देन इतना हो गया देन इतना हो गया, तो अभी के लिए मैंने ऐसा कुछ रखा, राइट। सेम चीज़ें, सेम टाइटल, सेम स्टार्ट नाउ बटन, अगेन थोड़ा सा और हाईलाइट हुआ इससे, क्यों? क्योंकि मैंने पीछे थोड़ा सा जो स्क्वेरिश बॉक्स हम बोलते हैं, मतलब कि बैकग्राउंड का पैटर्न है, वो लगाया हुआ कि जिससे भी हमारी डिज़ाइन यहाँ पे ग्लो करेगी तो उतना पार्ट ज्यादा हाईलाइट होगा और फ्यूचरिस्टिक दिखेगा। सो एक वर्जन से दूसरे वर्जन पर और दूसरे वर्जन से तीसरे वर्जन पर फाइनलाइज हुआ कि ये कुछ अच्छा दिख रहा है और यूजर्स को अटेंशन भी मिलेगा और कस्टमर्स को भी हेल्प करेगा कि उसके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर तक यूजर्स टिके और वो लोग ज्यादा स्क्रोलिंग करके उसको देखे कि हाँ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, वी कैन बाय दैट और वी कैन यूज दैट, राइट। सो दीज वर दी प्रोसेस एंड स्टेप्स जो कि मैंने एक हीरो सेक्शन रिवैम्प करने के लिए बनाया हुआ था कि कैसे हम यूजर्स का इंटरेक्शन बढ़ा सके और कैसे हम कस्टमर्स को भी हेल्प कर सकते हैं विद देयर प्रोडक्ट, राइट। तो ऐसे यदि कुछ आप लैंडिंग पेजेस बनाना चाहे तो यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहाँ पे जाके आप मेरे साथ 15 या 20 मिनट्स का इंट्रो कॉल ले सकते हैं, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक दिस कॉन्टेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।